नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन और आज हमारे गायनी इनफर्टिलिटी टॉक सीरीज में हम डिस्कस करेंगे मेनोपॉज के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मेनोपॉज के सिम्टम्स के बारे में और आज हम बात करेंगे कि कैसे इन सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है डाइट मॉडिफिकेशंस। अपने खाने में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपने खाने में आप कैल्शियम और विटामिन डी युक्त फूड को इंक्रीज करें, जैसे दूध, दही, पनीर, सहरी साग सब्जियां, बीन्स, पालक। अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो अंडे, फिश, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा लें, प्रोटीन रिच फूड लें। जिन चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है वो लें, वो आपके मसल मास को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो एज के साथ मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करेगा आपकी। फिर अपने डाइट में आप फाइटोइस्ट्रोजेंस युक्त फूड लें। ये फाइटोइस्ट्रोजेंस क्या है? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मेनोपॉज में ओवरीज से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो निकलना बंद हो जाता है और इसकी कमी की वजह से ही मेनोपॉज के सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये फाइटोइस्ट्रोजेंस प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं और ये ईस्ट्रोजन को रिजेंबल करते हैं। इनको लेने से मेनोपॉज के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अब वो फूड कौन से हैं जिनमें कि फाइटोइस्ट्रोजेंस हमें मिलते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सोयाबीन, काले चने, काबुली चने, मूंग, चेरीज, फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी कहते हैं, तिल, राई, मिलेट्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ दाल, इन सब चीज़ों में हमें फाइटोइस्ट्रोजेंस मिलता है जिसको लेने से कि मेनोपॉज के सिम्टम्स कम होंगे। अपने मील्स को सही टाइम पर लें, खाना स्किप ना करें। पानी लगभग 8 से 10 ग्लास पानी रोज पिएं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को, आपकी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है। जो ब्लोटिंग सेंसेशन हमने डिस्कस किया था कि हमेशा पेट भरा भरा लगता है, उस सिम्टम को ये कम करता है और स्किन वगैरह की जो ड्राइनेस हो जाती है मेनोपॉज के साथ उसको भी कम करता है। नेक्स्ट, ट्रिगर फूड्स अवॉइड करें। अब ये ट्रिगर फूड क्या है? ये वो हैं जो कि मेनोपॉज के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। कौन से फूड्स हैं ट्रिगर फूड्स में? हर वो फूड जिसमें कैफीन हो, जैसे कि चाय, कॉफ़ी। अगर इसको बंद नहीं कर सकते तो कम से कम कम करें अपने फूड में। फिर ज़्यादा शुगर, जिसमें ज़्यादा चीनी हो, वैसी चीज़ों को कम करें। ज़्यादा स्पाइसी फूड को कम करें, क्योंकि ये सारे आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। डाइट की जो मॉडिफिकेशंस है ये आपको वेट मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, इन सब चीज़ों के रिस्क को भी कम करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के फ़ायदे तो सदियों से सबने बताया है और सेम होल्ड करता है मेनोपॉजल फीमेल्स में भी। ये आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इन सब के रिस्क को कम करता है। आपके गुड कोलेस्टेरॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्टेरॉल को कम करता है। जैसे जब आप वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें आपके बोन्स पे, हड्डियों पे प्रेशर पड़ता है, तो ये आपके बोन्स को मजबूत करने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज का एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, ये आपके ब्रेन से एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। ये एक तरह का हार्मोन होता है जो आपके मूड को एलिवेट करने में हेल्प करता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। वहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी अगर आप अपने बॉडी को ज़्यादा आराम देने लगते हैं तो इससे आपके क्रोनिक बैक पेन, मसल की वीकनेस, मसल पेन, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। नींद की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होने लगती हैं। इसलिए अपने आप को एक्टिव रखें। नेक्स्ट, योगा करें, मेडिटेशन करें। ये आपके फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, आपके मूड को एलिवेट करता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, जो भूलने की टेंडेंसी हो जाती है उन सब सिम्टम्स को ये कम करता है। अब चौथी ज़रूरी चीज़, कीगल्स एक्सरसाइज करें। ये है क्या? ये आपके पेल्विक मसल्स, जो नीचे के मसल्स होते हैं, जो एज के साथ मेनोपॉज में कमज़ोर हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि पेशाब की थैली, लैट्रिन का रास्ता, ये सब नीचे आ जाते हैं, ये उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इसमें करते क्या है? इसमें नीचे के मसल्स, जो पेल्विक मसल्स हैं, उनको कड़ा करते हैं। जैसे कि अगर आप यूरिन पास कर रहे हों और आपको रोकना हो, तो वैसे करके नीचे के मसल्स को कड़ा करते हैं और ऐसा करके 3 से 5 सेकंड तक रहने देते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं। ऐसा दिन में कम से कम आपको 50 बार करना चाहिए, 10-10 के इंटरवल में 5 बार लगभग दिन में। इससे आपके नीचे के मसल्स स्ट्रांग होंगे और आपके जो यूरिन पास करने में यूरिन की परेशानियां शुरू हो जाती हैं मेनोपॉज में, वो सब कम होंगे।
और इन केस आपके सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने गायनकोलॉजिस्ट से मिलिए, जो ज़रूरत पड़ने पर आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे। मेनोपॉज तो आना ही है, तो क्यों ना उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें, ताकि अपने मेनोपॉज के एक्सपीरियंस को हम अच्छा बना सकें। मेरा लास्ट मैसेज हर उन लोगों के लिए है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, जिनके आसपास कोई पेरीमेनोपॉजल या कोई पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, उनका साथ दें, उनको अपना टाइम दें, उनको इमोशनली सपोर्ट करें, क्योंकि आपके साथ से उनकी मेनोपॉज की जर्नी एक हैप्पी जर्नी हो सकती है। थैंक यू। आप अपने क्वेरीज, सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे लिंक पर क्लिक करें।